वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अनुराधा। तो गाइज आज फिर से होने वाला है मीशो हॉल। सो गाइज मीशो से मैंने कुछ साड़ियाँ परचेज की हैं और उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। सो गाइज आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और गाइज अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और लाइक करने में ज़रा भी कंजूसी मत किया करिए। गाइज आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे उत्साह मिलता है कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो गाइज मेरे इस उत्साह को बने रहने दीजिए और आप लोग मेरा पूरा फुल सपोर्ट करिए और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो गाइज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए मैंने ये वाली साड़ी मीशो से परचेज़ की हुई है जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है, इसका जो वर्क वगैरह है बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो फैब्रिक दिया हुआ है ये पूरा प्लेन फैब्रिक है और ये ब्लाउज़ का फैब्रिक दिया हुआ है इसमें। और इधर एक छोटी सी ये देखिए पट्टी दी हुई है जो कि आप अपनी बाहों वगैरह में लगा सकते हैं, अपनी स्लीव्स वगैरह में लगवा सकते हैं, कमर में लगवा सकते हैं। तो ये ब्लाउज पीस इसमें इस तरह का ब्लाउज पीस दिया हुआ है। सो गाइस इतना फैब्रिक इसमें प्लेन दिया गया है और जो कि पहले फोल्ड में आ जाएगा और उसके बाद से इस तरह की डिज़ाइन स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसमें वर्क किया हुआ है, पूरा जरी का वर्क है, पूरा वोवन वर्क है और बहुत ही सुंदर शाइनिंग दे रहा है। देखिए बहुत अच्छी शाइन है इसकी। तो इस तरह से आपको बॉर्डर रिसीव हो जाएगा इसमें, देख लीजिए बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स बूटे वगैरह इसमें बने हुए हैं। और इधर आप नीचे साइड देखिए इसमें तो दोनों साइड आपको इसी तरह से बॉर्डर रिसीव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड आपको इस तरह से बॉर्डर रिसीव हो जाएगा। तो बहुत प्यारी साड़ी है गाइस और इस तरह से आप पूरी साड़ी इस तरह से देखिए और आपको जो आप बीच में देख रहे हैं इसमें आपको फ्लावर का डिज़ाइन मिलेगा और बेल पत्तियाँ कुछ ऐसी बनी हुई हैं छोटी छोटी सी जो कि पूरा वोवन वर्क है। तो काफ़ी सुंदर अच्छा लुक आ रहा है इसका, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। तो इस तरह से साड़ी आगे बढ़ती है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर से जो डिज़ाइन है चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपको फ्लावर का डिज़ाइन मिला है और यहाँ पर छोटे छोटे से बूटे मिल रहे हैं, ये देखिए। तो ये आँचल पार्ट है और यहाँ पर इसी तरह का आपको डिज़ाइन मिलेगा पूरे आँचल में, ये देखिए। और इधर आप देख सकते हैं सर आँचल में बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन आ जाएगा, काफ़ी भरा हुआ इस तरह से इसमें पूरा पल्ला दिया गया है और इसकी शाइन देखिएगा इस बहुत ही प्यारी है। तो काफ़ी सुंदर साड़ी, इसका पहनने में लुक भी बहुत अच्छा आता है और जो इसका फैब्रिक है सिल्क का फैब्रिक है और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है तो पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ इसको थोड़ा सा पहनने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप इसको अच्छे से प्लेटे वगैरह बना कर लेंगे इसको पिनअप वगैरह करके तो ये साड़ी ऐसी है कि जैसा आप इसको बना लेंगे वो उसी तरह से ही इसकी प्लेटें बनी रहेंगी, कहीं जाने वाली नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो अब प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी साड़ी है, आप लोग लेना चाहें तो आप इसको परचेस कर सकते हैं और फेस्टिवल वगैरह में आप इसको वेयर कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लुक आएगा और इसका कलर तो बहुत ही प्यारा है गाइज। देखिए गाइज ये रानी कलर की साड़ी है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये कलर, आप देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट साड़ी भी सिल्क की साड़ी मैंने ली हुई है। सो गाइज आप देख सकते हो ये आँचल पार्ट है साड़ी का जो कि रेड कलर में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है और यहाँ पर जाल वर्क सब पूरा दिया हुआ है। इधर बॉर्डर वगैरह आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। और आगे साड़ी इस तरह से चलेगी तो आपको इस तरह से रेड कलर का बॉर्डर मिल जाएगा और साड़ी के बीच में आपको इस तरह से पूरा वोवन वर्क मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत प्यारा है रेड और ग्रीन का, तो काफ़ी अच्छी लगती है पहनने के बाद। तो इस तरह से आपको पूरी ऑल ओवर साड़ी मिलेगी। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये नीचे साइड आएगा और इस तरह से आपको गाइस दोनों साइड ही बॉर्डर रिसीव होता है, देखिए ऑल ओवर साड़ी ये इसी तरह की ही है, पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी। और यहाँ पर थोड़ा सा जो फैब्रिक दिया हुआ है ये पूरा प्लेन फैब्रिक है जो पहली फोल्ड में आपकी टकिंग करने पर आ जाएगा, ये देखिए इतना फैब्रिक इसमें प्लेन दिया हुआ है। और ये रहा इसका ब्लाउज पीस जो कि रेड कलर में दिया गया है, यहाँ पर इसमें बॉर्डर दिया गया है ये जिससे आप इसको अपने स्लीव्स वगैरह में लगवा सकते हैं। और इस ब्लाउज में सेल्फ में डिज़ाइन दी गई है
आई होप आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी से इसमें डिज़ाइन दिए गए हुए हैं। तो ये इसका फैब्रिक दिया हुआ है, काफ़ी सुंदर साड़ी है और प्राइस भी इसका बहुत ही कम था और प्राइस के अकॉर्डिंग ये साड़ी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मुझे तो पसंद आई है, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। और ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की साड़ी है, तो गाइस ये सावन में इस तरह की ग्रीन साड़ियाँ काफ़ी सुंदर लगती हैं और तीज में भी काफ़ी सुंदर लुक देंगी ये साड़ियाँ इस तरह की। तो आप तीज के लिए, सावन में पहनने के लिए इस तरह की साड़ियाँ परचेस कर सकते हैं। सो गाइस बताइए आप लोगों को कौन सी साड़ी पसंद आई है, और अगर आप लोग परचेस करते हैं और आपको कोई भी साड़ी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। सो गाइस चलती हूँ अगले वीडियो में, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।